दोस्तों चुनाव आयोग ने चुनाव के डेट का घोषणा कर दिया है और इस घोषणा के बाद जो सबसे पहला सर्वे आया है उत्तर प्रदेश का, इसने भारतीय जनता पार्टी का होश उड़ा कर रख दिया है। जो सर्वे मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको देखकर आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। जो 300 साढ़े 300 सीट की बात कही जा रही थी वो अब 60 से 70 सीट में आकर लुढ़क गई है भारतीय जनता पार्टी। एक सर्वे किया है यूपी तक ने उत्तर प्रदेश में, जो सर्वे मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं इसे। इसमें पूछा गया है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी 2022 के असेंबली इलेक्शन में। तो अब लोगों ने जो मतदान किया है, लोगों ने जो वोट दिया है उसके ऊपर और लोगों ने जो अपनी राय दी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 22% लोगों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ 22% लोगों ने बताया कि बनने वाली है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 61% लोगों ने बताया है कि मतलब जो 300 साढ़े 300 की बात हो रही थी वो 60 से 70 सीट में भारतीय जनता पार्टी लुढ़कती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 9% लोगों ने बताया और वहीं पे कांग्रेस की बात करें तो 8% कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हाल हो गया। जो पहला सर्वे आया है चुनाव आयोग ने जब घोषणा किया कि 7 फेस में यानी कि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, पहला मतदान होगा 10 फरवरी को और उसके बाद 7 मार्च को आखिरी मतदान होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनेगी ये 10 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन उस पर जो पहला सर्वे आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जो 300 साढ़े 300 400 की हवा उड़ाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी का असलियत जो है वो लोगों ने बताया सर्वे में कि सिर्फ 22% मतलब 60 से 70 या फिर 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो आप क्या राय रखते हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को लेकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उखड़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश से और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।